नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री 11 बजे नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और मुख्य सेविकाओं, बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षित पत्र भी बांटेंगे और इसी के साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। तो बता दें, लखनऊ में सीएम योगी जो है कार्यक्रम करेंगे और ऐसे में नव निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 2021 पोषण माह 2021 का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री करते वाले हैं और ऐसे में वो पोषण माह का ये शुभारंभ करेंगे और नव निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज सीएम नव निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करने वाले हैं और क्या कुछ अपडेट है? पारुल, सबसे पहले बता दूं कि ये राष्ट्रीय पोषण माह है और इसमें सीएम योगी 11 बजे लगभग समय जो बताया गया इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन जो होगा वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता जितने होंगे, मुख्य सेविका जो होंगी, बाल विकास होंगे उसके जो अधिकारी होंगे, प्रशस्ति पत्र वितरण करेंगे। 9 नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी वो प्रशस्ति पत्र देंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद होंगी, अभी सूचना जो मिल रही है। और लगातार योगी का खास तौर से ये देखा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर लगातार उनके जो प्रोग्राम हो रहे हैं, कल ही इन्होंने महिला मोर्चा का यहाँ से प्रोग्राम किया था। उसके से पहले अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को किया था, फिर मिशन शक्ति के उस प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज करवाया था। तो लगातार इस तरीके से जो पुराने काम इनके अधूरे रह चुके हैं वो अब समय कम की वजह से अब लगातार उनका जो प्रोग्राम है वो तय होता चला जा रहा है और अब आज लखनऊ में 11 बजे जो समय दिया गया है उसमें ये प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे और गवर्नर भी पहुंचेंगे। जो टाइम दिया गया उसमें 11:30 बजे उसमें गवर्नर भी पहुंचेंगे क्योंकि गवर्नर खुद एक महिला है और वो ऐसे आयोजन में पहुंचना उनको ज्यादा बेहतर लगता है और इससे पहले भी कई ऐसे प्रोग्राम हुए थे लखनऊ में जहाँ गवर्नर खुद पहुंचती है। तो अभी थोड़ी देर के बाद सीएम इन जो कार्यकर्ता है और जो आंगनबाड़ी के जो जितने भी कार्य सेविका है उन लोगों को सभी को पत्र वितरण करेंगे। बिल्कुल रूबी, कितनी ऐसी ये सेविकाएं होंगी और कार्यकर्त्री होंगी जिनको पत्र भी दिए जाएंगे? देखिए, जो सबको आवंटन किया गया है उन सबकी जो सूची तैयार की गई है उन सभी की सूची के आधार पर लगभग जो तैयारी की गई है उनको बुलाया जाएगा और यहाँ पे पहले से जो प्रोग्राम जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पे बुला लिया गया है और लगभग जो सूची है उसमें काफी नाम है तो कुछ सिलेक्टेड नामों को तो सीएम अपने हाथों से वितरण कर देंगे लेकिन जो बाद में है उनके जो मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उन लोगों के हाथ से किया जाएगा और गवर्नर भी रहेंगे तो गवर्नर के हाथों से भी कुछ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके कार्य को देखते हुए सीएम ने पहले भी एक ऐलान किया था कि इनके जो भी कार्य है उसकी वो तारीफ करते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद सीएम ने ये भी कहा था कि जो जितना बेहतर काम करेगा उसको हम प्रशस्ति पत्र देंगे। तो आज वो शुभारंभ करने वाले यानी कि एक नया प्रोग्राम को आगाज करेंगे और थोड़ी देर के बाद वो सारे लोगों को संबोधित भी करेंगे इसी बात को लेकर कि जो महिला कार्यक्रम है जो लगातार देखने को मिल रहा सीएम योगी के आज से महिला मोर्चा की अगर हम बात करें, कल भी उन्होंने कई तारीफ करी थी कि महिला मिशन शक्ति के तहत भी उन्होंने कई काम किए हैं। तो सीएम योगी जो है वो मूड में आ चुके हैं कि अगर नींव मजबूत करनी है तो यानी कि महिलाओं को साथ लेके ही चलना होगा और ऐसे में अब लगातार जो सीएम का प्रोग्राम है वो खास तौर से बिल्कुल और इसीलिए चाहे 2017 की बात कर ली जाए, 2017 में भी महिलाओं को लेकर कई कार्यक्रम किए गए थे, कई वादे किए गए थे, योजनाएं चलाई गई थी और एक बार फिर से वही सेम चीज जो है नजर आ रही है। बिल्कुल पारुल, कल भी सीएम ने यही कहा था कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और 3 तलाक से नारी जो थी वो तड़पती थी तो मैंने मेरी सरकार ने उससे निजात दिलाया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की भी तारीफ करते नजर आए कि 3 तलाक भी खत्म कर दिया गया और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत की नए भारत की निर्माण किया जा रहा है यानी कि महिला जो है वो नव भारत की निर्माण के लिए जननी मानी गई है। तो ऐसे में जो योगी है वो भी यही बात मानते हैं, उन्होंने कल भी यही बात कही थी और आज ये ऐसे प्रोग्राम को फिर से तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ दिखता है, तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखती हैं पारुल की योगी आदित्यनाथ हो या मोदी हो महिला सशक्तिकरण को लेकर साथ चल रहे हैं।
जी बिल्कुल रूबी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा और फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बनी रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ऐसे में बता दें, आज सीएम योगी नव निर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मुख्य सेविकाओं और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी बांटेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी दल अलग अलग जातियों पर अलग अलग वर्ग को साधने में जुटी हुई हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब प्रबुद्ध वर्ग पर भी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भले ही सभी सियासी दल इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पर कर रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ही की थी और आज BSP के प्रबुद्ध वर्ग विचार सम्मेलन का समापन लखनऊ में होगा, जिसे खुद पार्टी सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी। वही बता दें, प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी के जरिए चुनाव से ठीक पहले BSP अपनी ताकत दिखाने में जुटी हुई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर, प्रमुख चौराहों पर इन दिनों BSP के ही होर्डिंग बैनर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी की शुरुआत अयोध्या से की थी, उसका समापन आज लखनऊ में हो रहा है। तो ऐसे में BSP का ये जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, उसका समापन आज लखनऊ में होने वाला है और मायावती खुद इस सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी और 11 बजे वो संबोधित करेंगी। तो बता दें, मायावती जो है आज इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगी और ऐसे में काफ़ी समय से ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है BSP की तरफ से किया जा रहा है यूपी के कई जिलों में, जिसका आज समापन होने वाला है। चलिए लखनऊ से एक बार फिर से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी का रुख करेंगे। रूबी, क्या कुछ और अपडेट है, कितनी देर बाद ये प्रोग्राम जो है शुरू होने वाला है? पारुल, 11 बजे का समय निश्चित किया गया है और प्रमुख वर्ग जो है उसको आज BSP यानी कि BSP जो सुप्रीमो है मायावती, वो खुद संबोधित करेंगी और इससे पहले विचार गोष्ठी करेंगे। यानी कि पार्टी कार्यालय में अभी 11 बजे से सारे जो उनके भी कार्यकर्ता हैं, जो उनके अधिकारी हैं, या ये कह सकते हैं इनके जो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, वो सारे लोग 11 बजे कार्यालय जी सुरक्षा को लेकर, प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान को लेकर BSP सुप्रीमो खुद इस सम्मेलन में भाग लेती है और काफी टाइम से यही अटकलें लगाई जा रही थी कि BSP सुप्रीमो मायावती जो है वो कोई पार्ट नहीं ले रही है, कहीं पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करा रही है, लेकिन आज लखनऊ में काफी बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है और लखनऊ में भी अगर बात करें या इसके आस पास की भी बात करें, सारे लोग पहुंचे हुए हैं लखनऊ में। लखनऊ के जो पार्टी कार्यालय है यहाँ पे जो बैनर है, पट्टियां हैं, झंडे हैं, इससे बिल्कुल उन्होंने सजा रखा है और साथ ही साथ 11 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि पहले भी मायावती ने कहा था प्रबुद्ध वर्ग को लेकर और BJP ने भी अभी हाल ही में प्रोग्राम किया है, तो कहीं ना कहीं मायावती का यह कटाक्ष भी था इसी बात को लेकर, BJP जो है वो नकल कर रही है और आज फिर उसका इस तरीके से एक बड़ा सम्मेलन है लखनऊ में। बिल्कुल रूबी, और देखिए कहीं ना कहीं मायावती 2017 का फॉर्मूला जो है वो दोहराने की कोशिश कर रही हैं और आज से मिशन 2022 को वो धार देने वाली हैं। पारुल, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है और लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और ऐसे में जो सियासत होती है वो देखने लायक होती है। खासतौर से जो पार्टी आलाकमान होते हैं वो अब पूरी तरीके से जुट चुके हैं इसी बात को लेके कि जिला हो या फिर लखनऊ हो, इन सब जगहों पे बैठ के वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। माध्यम कोई भी हो, चाहे वो रैली हो या फिर कोई आयोजन हो या फिर कोई प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी ही क्यों ना हो, ऐसे माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, रणनीति तैयार करना चाहते हैं, यानी कि पार्टी को लेकर मजबूती करना चाहते हैं, क्योंकि मंथन बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी को नेतृत्व करने के लिए और खास तौर से जो पार्टियां बहुत पीछे दिख रही हो। अगर हम विधानसभा 22 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लखनऊ में BSP जो है वो काफी टाइम से देखा जा रहा था बहुत पीछे, बैकफुट पे नजर आ रही थी, लेकिन अब
बड़ा सम्मेलन करने के बाद, यानी कि आज अपनी ताकत दिखाएंगी मायावती। और इसके साथ ही साथ ये भी पारुल देखने लायक होगा कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। रात से ही लोगों का आना शुरू हो चुका था, क्योंकि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, बीएसपी की अगर खासतौर से हम बात करें तो वो पहले ही से आना शुरू कर चुके होते हैं। और लखनऊ में इस टाइम देखने लायक होगा कि जो झंडियां हैं, पट्टी है और बैनर है, उस तरीके से पूरी तरीके से सजा दिया गया, यानी कि लखनऊ जो है वो दुल्हन की तरह बिल्कुल सजा दिया गया। और इसके साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ता है वो सब 11 बजे पहुंचने का समय दिया गया है। बिल्कुल रूबी, एक चीज और यहां पर मैं जानना चाहूंगी। देखिए बीते दिन 5 तारीख की बात कर ली जाए तो किसानों की महापंचायत हुई थी, ऐसे में किसान जो है वो सरकार से खासे नजर भी आ रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि अंजाम 2022 में देखा जाएगा। इधर अगर मायावती की बात कर ली जाए तो वो एक पर्टिकुलर वर्ग को साधने में जुटी हुई है, तो क्या बसपा को जो है इसका फायदा हो सकता है? देखिए बिल्कुल पारुल, क्योंकि लगातार इसी बात को लेके ही बहस हो रही थी। मायावती ने ट्वीट भी करके कहा था कि अब महापंचायत पे रणनीति की जा रही है, यानी कि जो राजनीति होती है वो अब इन सब मसलों को लेकर भी घसीटा जा रहा है। तो ऐसे में बीएसपी भी अब इन मुद्दों को दूर नहीं रहना चाहती है। मायावती भी चाहती है कि मुद्दा कोई भी मिले उनको, वो आज इन सब मुद्दों को लेकर वो बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था। और बीएसपी ये बिल्कुल मौका ढूंढ रही थी इसी बात को लेकर, खास तौर से कि इनको एक मौका मिले और वो अपनी बात को रख सके। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, उन्होंने बयान भी दिया था कि लोग मेरी सेहत को लेकर साफ कह रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी या मैं चुनाव में काम नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ और फिर से मैं एक बार खड़ी हुई और फिर से एक बार मैंने अपने हाथ में कमान ले लिया। तो बीएसपी का जो रुख है साफ देखने को मिल रहा है कि उनकी जो ताकत है वो आज दिखाएंगी। और इसके साथ ही साथ महापंचायत को लेकर जो रणनीति या राजनीति जो भी हो, वो बीएसपी ने पहले भी ट्वीट करके कहा था, वो आज भी देखने लायक होगा कि मायावती आज क्या कहती है। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बताते हैं आज लखनऊ में बीएसपी के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होने वाला है और खुद मायावती जो है सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत की गई थी पिछले महीने और ऐसे में यूपी के कई जिलों में अलग अलग दिन जाकर इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को किया गया था, लेकिन आज इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होने वाला है, जिसके लिए खुद मायावती जो है आज मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी और इस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन की तरफ से एमबीबीएस में जनसंघ की पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। वहीं जब असुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर सपा सांसद से सवाल किया गया तो सपा सांसद ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की तरफ से एमबीबीएस में जनसंघ के संस्थापकों को के विषय में पढ़ाए जाने को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ऐसे में सपा सांसद का कहना है कि मेरी समझ में नहीं आता एमबीबीएस में इन राजनीतिक लोगों का क्या दखल है, वो तो एक बहुत टफ कोर्स है, हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कहां लेकर जा रहे हैं और ये लोग जो थे इनकी तो राजनीति ही संदिग्ध थी, ये लोग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर वोट लिया करते थे। इन इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने जेल भी भेज दिया था क्योंकि ये सांप्रदायिकता भड़काते थे। देखिए एमबीबीएस एक बहुत टफ और सोफिस्टिकेटेड कोर्स है। एमबीबीएस के बच्चों को फुर्सत नहीं मिलती है, इसमें इंसान की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके उसके इलाज और उसके मर्जों के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर भी कोई परफेक्ट नहीं हो पाता। मेरी समझ में नहीं आता कि एमबीबीएस में ये राजनीतिक लोगों का क्या दखल है। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? ये लोग राजनीतिक लोग होने के साथ साथ इनके जो राजनीति थी वो भी संदिग्ध थी, ये सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट लिया करते थे। जनसंघ की स्थापना हुई थी और फिर उसके बाद इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इन सब लोगों को जेल भेज दिया गया था क्योंकि ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काते थे।
उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन हो गया है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी गरीब लोगों को मिटाने का काम कर रही है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, ऐसे में लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास मिटाने की बात कहने वाली बीजेपी खुद के इतिहास के बारे में पहले सोचे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि आने वाला दिन कांग्रेस का है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने कहा कि यह समय सभी को संगठित होने का है, ऐसे में सभी को एक साथ आगे आना होगा। मुल्क में सफल परिवर्तन यात्रा रही, परिवर्तन केवल यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, एक परिवर्तन के विचार का सैलाब भी सारे राज्य में फैला है, सारे मंडल में फैला है और जनता ने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा से परिवर्तन की भावना से जोड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए शुभ है। दो दिन पहले अनुशासनहीनता के आरोप में हसनैन मलिक साहब का निष्कासन और कल रामनगर में विवाद कांग्रेस के दो गुटों के बीच, क्या कहेंगे? बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें उठती रहती है, उनका समाधान किया जाता है, हसनैन मलिक जी वाले विवाद का समाधान हो गया। चार दिन की जो ये परिवर्तन यात्रा आज से चार दिन पहले खटीमा से शुरू हुई और आज रुद्रपुर में जिसका पहले पड़ाव का खत्मा पूरा हुआ है, दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे संगठनों का और विशेष रूप से जितने भी हमारे मीडिया के सहकर्मी हैं, साथी हैं, साथीगण हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी लगातार इसमें सहयोग और समर्थन दिया और विशेष धन्यवाद करता हूँ यहाँ की जनता का और का यदि इस परिवर्तन यात्रा से किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था हुई उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड में एक चीज़ साफ तौर से जो देखने में मिली है वो ये है कि लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं और जैसा कि गोदयाल जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई हक नहीं है कि जन आशीर्वाद के लिए वो यात्रा के रूप में निकले। ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने आँख खोल कर देख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके नेताओं की आंख निश्चित रूप में खुली होंगी और बचे हुए तीन महीने के कार्यकाल में इस परिवर्तन यात्रा के आगाज के परिणाम स्वरूप वो कुछ ऐसे फैसले करें जो जनता के हित में हों। लेकिन 5 साल होने को आए हैं, 4.5 साल से अधिक का समय हो गया और उसके बाद उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जो श्रीनगर से शुरू हुई और जो कि पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरी तरह से ये साबित हो गया कि फ्लॉप यात्रा थी, मुख्यमंत्री की सभा में खाली कुर्सियां थी। मैं उनको ये राय देना चाहता हूं कि वो उस यात्रा का नाम अब बदल दें और उसको प्रायश्चित यात्रा का नाम दें। अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली में भीड़ उमड़ी और ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल, कैबिनेट मंत्री रेखा सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं अल्मोड़ा के नए कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही जिले की 6 के 6 विधानसभाओं के लिए करोड़ों की घोषणाएं इस मौके पर सीएम की। वहीं सीएम ने कहा कि लोगों के बीच जाकर सीधा संवाद किया जा रहा है और यहां पूरे प्रदेश से भारी जन समर्थन भी हमें मिल रहा है। देख रहे होंगे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गांव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी संगठन में हो या चाहे सरकार में हो, हम सब लोग जनता के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो भी, चाहे मैं मंत्री बना हूँ, माननीय धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं और भी जितने में हमारे अध्यक्ष जी हैं, दायित्व लिए हैं, हम जनता के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपका प्यार और स्नेह जिस तरह से बना हुआ है ये बना रहना चाहिए।
हमारे पास धवल नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और देश आज द्रुत गति से 7 सालों में जितनी तेज़ी से बढ़ा है इतना कभी नहीं बढ़ा। आप स्वतंत्रता के बाद से आज तक दोनों में तुलना कर लीजिए, आप पाएंगे कि हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। एक और, सरकार ने हर्षिल के सेब को पहचान दिलाने के लिए विधानसभा में हर्षिल के सेब बांटे, तो वहीं दूसरी ओर अब देहरादून में सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हर्षिल घाटी में बना एकमात्र कोल्ड स्टोर का संचालन भी ठप पड़ा हुआ है, लेकिन सेब रखने के लिए कहीं स्थान नहीं है। तो वहीं हर्षिल घाटी के सेब काश्तकारों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कोल्ड स्टोर शुरू नहीं होता है तो सेब महोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा और महोत्सव में हर्षिल के सेब नहीं भेजे जाएंगे। पिछले टाइम पे 15 सितंबर पे यहाँ पे सेब निकालना चालू हुआ था और सारे काश्तकार कोल्ड स्टोर पे नजर है और कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, अभी तक कोल्ड स्टोर किसी को नहीं दिया गया है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से और कृषि मंत्री हमारे जो हैं, जो हमारे सचिव साहब जो धन सिंह साहब हैं या जो भी हैं, उनसे कहूँगा कि आप कोल्ड स्टोर शीघ्र चालू कराएं। और यहाँ से जो अभी सेमिनार सुना है मैंने कि लगा रहे हैं उद्यान वाले, तो हम यहाँ बहिष्कार करते हैं, हम यहाँ से अपना कोई सेब नहीं देंगे जब तक कोल्ड स्टोर चालू नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है और सुविधाएं किसानों को नहीं देंगे, तो हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। सरकार को बताना चाहता हूँ कि अभी तक सेब लगभग तैयार हो चुका है और कोल्ड स्टोर का संचालन अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कोल्ड स्टोर कौन चलाएगा। अभी तक कोल्ड स्टोर के टेंडर नहीं पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि कोल्ड स्टोर संचालन जल्दी जल्दी शुरू हो ताकि किसानों को फायदा हो और किसान अपना सेब यहां रख सके। अगर 10 दिन के अंदर यह स्टोर नहीं खुलता है तो किसानों का सेब स्वतः ही मंडी की तरफ जाएगा, ये कोल्ड स्टोर में रखने लायक सेब नहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि कोल्ड स्टोर का संचालन जल्दी जल्दी शुरू हो और ये इतना बड़ा कोल्ड स्टोर 8 करोड़ की लागत से बना है और यह आज सुना पड़ा हुआ है और पिछली बार ये 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चले गया था, इस बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और सरकार ने अभी तक इसके दोबारा रीटेंडर ओपन नहीं किया है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी कोल्ड स्टोर का संचालन शुरू किया जाए। केरल में 12 वर्षीय बच्चे के निपाह विषाणु संक्रमण से मौत हो जाने के बाद से केंद्र सरकार ने केरल सरकार को एक पत्र लिखा, कड़ी निगरानी, संपर्क सूत्रों का पता लगाने, अस्पताल प्रशासन को सशक्त बनाने और जानकारी प्रदान करने के समन्वय स्थापित करने की सलाह दी है। ऐसे में केरल के मुख्य सचिव वीपी जॉय को भेजे इस पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी संदिग्ध मामले का पता लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया जाना चाहिए और अस्पताल और समुदाय आधारित निगरानी को मजबूत किए जाने की आवश्यकता भी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राजेश भूषण ने इस पत्र में कहा कि जिला प्रशासन को प्राथमिक और द्वितीय संपर्क सूत्रों की पहचान करनी है और ज्यादा जोखिम और कम जोखिम वाले संपर्क सूत्रों की सूची तैयार करनी है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को होम क्वारंटीन में स्वीकृत मानकों का अनुपालन करना होगा और ऐसे मामलों की बाद में भी जाँच पड़ताल करनी चाहिए। मथुरा की थाना छाता कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला की तरफ से गांव के ही रहने वाले रेवती रमन पर बलात्कार और राजेश नाम के व्यक्ति पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार महिला की तरफ से दोनों आरोपियों समेत छाता कोतवाली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसे में महिला का कहना है कि वो लगातार 3 दिन से अपनी फरियाद लेकर छाता कोतवाली के चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला की फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। महिला ने बताया कि कोतवाल की तरफ से उसकी FIR लिखने की बजाय महिला को ही डरा धमका कर थाने से भगा दिया जाता है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों को उनके ही अधीनस्थ पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए थानों में महिला हेल्प डेस्क का भी इंतजाम कराया गया है, लेकिन यह हेल्प डेस्क एक शोपीस बनकर ही महज रह गई है। घटना ऐसी हुई 23 तारीख को आया रेती रमन, उसने आके बोला पहले तो फोटो खींच लिए, फिर बोला बच्चों को मार दूंगा, जानते अगर तूने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। मैंने मना कर दिया, फिर उसने ज़बरदस्ती के कपड़े अपड़े खींचे, फिर उसके बाद में वो रेप करके और चला गया, भाग गया। फिर 28 तारीख की रात को वो फिर भी आया, फिर भी उसने ब्लैकमेल किया और बोला फोटो वायरल कर दूंगा ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं अपने पति को बता दूंगी, मेरे पति घर पर नहीं थे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।